दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय एनआर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बिलासपुर। संसदीय चुनाव में मंडी सीट पर मिली करारी हार के कारणों को कांग्रेस तलाशेगी। लोकसभा चुनाव में मंडी जिला में कांग्रेस बड़ी बुरी तरह पिटी है। इतनी बड़ी हार कांग्रेस के गले नहीं उतर रही, जिसे देखते हुए अब मंडी कांग्रेस बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाने जा रही है। इसके साथ ही चुनाव में भीतरघात करने वालों पर भी कांग्रेस रिपोर्ट तैयार करेगी। बता दें कि मंडी जिला से कांग्रेस प्रत्याशी को कांग्रेस संगठन के भी पूरे वोट नहीं मिल सके हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि हार के कारणों की समीक्षा के लिए बूथ स्तर की बैठक बुलवाई जाएगी, जिसमें भीतरघातियों पर भी रिपोर्ट तैयार होगी। कांग्रेस प्रत्याशी थोपा गया प्रत्याशी नहीं था, सबके सामूहिक फैसले के बाद ही ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए ऐसा कहना गलत है। चुनाव में हार और जीत तो होती रहती है, पर ये हार हमारी अपेक्षा के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं रही। इस हार की समीक्षा की जा रही है। हम अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से इस बारे में रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं, उनके विचार जान रहे हैं। जल्दी ही एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा और जिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा। उनसे रिपोर्ट्स ली जाएगी कि हार के क्या कारण रहे और मेन जो वजह है वो क्या रहे। नहीं, ये ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूरे हिमाचल में हुआ, पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हुआ है। और जो कैंडिडेट का जो निर्णय होता है वो एक सामूहिक निर्णय होता है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ज़बरदस्ती थोपा गया था। कुछ राजनीतिज्ञ में ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, पर हार जीत के बाद किसी पे सवाल उठाना ये वाजिब नहीं है। हमें इस बात की समीक्षा करनी है कार्यकर्ताओं के समक्ष, और जो पदाधिकारी है, जो कांग्रेस के नेता है, वो इस बारे में बताएंगे कि वास्तव में क्या हमारे कारण रहे। उसमें उम्मीदवार का भी नाम आएगा, उसमें कार्यकर्ताओं का भी आएगा, उसमें पदाधिकारियों की जिम्मेवारियों का निर्वहन करना भी आएगा। काफ़ी सवाल है जो हमारे समक्ष हैं, उनका आंसर हम चाहेंगे, उनका जवाब हम चाहेंगे कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता और नेता दें, ताकि वो वास्तुस्थिति से हमको अवगत करा सकें। और से हम कभी टूटेंगे, हम जनादेश का सम्मान करते हैं। और कांग्रेस पार्टी, ये जो लड़ाई है, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ वो पार्टी है जिसका जन्म आंदोलन के गर्व से हुआ, और एक तरफ वो पार्टी है जहां जिसका जन्म सांप्रदायिकता के गर्व से हुआ। आज भारत में संघ वर्सेस संविधान की लड़ाई है, और रही पार्टी को फिर से मजबूत करने की बात, कांग्रेस पार्टी मजबूत है। और जो हार के कारण है, इनकी समीक्षा की जाएगी, और उसके बाद जो कारण है इनको रिमूव किया जाएगा, और एक मतलब संगठित और जो समर्पित और एक सुदृढ़ संगठन तैयार होगा, और फिर से इस विपक्ष के खिलाफ और मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, जो जनविरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ हम फिर से एकत्रित होंगे। और हम कभी भी हार नहीं मान सकते, क्योंकि हम जो राजनीति करना चाहते हैं वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए हित के लिए करना चाहते हैं, और जनता के हित के लिए करना चाहते हैं। और हम कभी चुप बैठने वाले नहीं हैं मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ। भीतरघाती कौन है कौन नहीं है, इसके बारे में भी जो रिपोर्ट्स होगी, जो समीक्षा बैठक होगी, उसमें चर्चा होगी कि किसने भीतरघात किया और किसने नहीं किया, किसके बूथ से लीड आई, किसके बूथ से नहीं लीड आई, इस सारे बारे में समीक्षा बैठक की जाएगी। उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि किसने भीतरघात किया और कहाँ पर भीतरघात किया। पार्टी के संविधान के अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं कोई भीतरघात करता है, या कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं, या कांग्रेस का उम्मीदवार है, या कांग्रेस के जो कार्य हैं, या कांग्रेस की जो कर्तव्य हैं, उसका निर्वहन करने में अगर उसने चूक की, या उसके अनुरूप उसने काम नहीं किया, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए मंडी से ब्यूरो चीफ अमन अग्निहोत्री के साथ विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल चांदपुर, जिला बिलासपुर, यहां पर सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। ओपीडी, आईपीडी, आपातकाल, फार्मेसी, एम्बुलेंस सेवा, सभी मॉड्यूलर सुविधाओं के साथ हाईटेक ओटी, डीलेक्स एसी रूम, जनरल वार्ड, उत्कृष्ट नर्सिंग देखभाल, हाईटेक प्रयोगशाला और डिजिटल एक्सरे सुविधा उपलब्ध। ऑर्थो और न्यूरो की सुविधा भी शुरू। बिलासपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। हमने हाल ही में एनआर हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी की सुविधा जो है शुरू करी हुई है। अब लोगों को इसके लिए पीजीआई चंडीगढ़ या शिमला जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी दुर्घटना वाले केसेस होते हैं, हम उनको यहीं ट्रीट कर रहे हैं, और लोगों की जान जो है बचाई जा सकती है समय रहते। इसके साथ ही हमें यहाँ पे घुटने और कूल्हे बदलने के लिए भी के जो ऑपरेशन है वो भी शुरू हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9736514253, 9816142532।